अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम सज्जाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करना है, कैसे प्रोमोट करना है विदाउट किसी की भी हेल्प के। आप लोगों को इंशाल्लाह किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होगी, किसी बड़े यूट्यूब चैनल के पास जाकर प्रोमोट चैनल करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो की तरफ चलने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं गाइड करूंगा पूरी तरह के आप लोगों ने अपना चैनल कैसे प्रमोट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों के पास एक अदद चैनल होना ज़रूरी है, उसका एक अच्छा सा नाम हो, उसको बाकायदा तौर पर आप लोगों ने कस्टमाइज़ किया हुआ हो, उसका डीपी लगी हुई हो, अच्छी तरह से प्यारी सी डीपी लगी हो आपके चैनल के हिसाब से, और उसका जो चैनल आर्ट है वो भी आप लोगों ने लगाया हुआ होना ज़रूरी है। मैंने देखा है कि बहुत से नए चैनल होते हैं वो ना डीपी लगाते हैं ना चैनल आर्ट लगाते हैं, बस वीडियोस डालते हैं, इससे व्यूअर्स पे आप लोगों का अच्छा तासर कायम नहीं होता। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्टार्ट से ही आप लोगों का चैनल ग्रो करना शुरू हो, तो आप लोग स्टार्ट से ही चैनल भी अच्छा बनाना शुरू करें। सबसे पहले चैनल का अच्छा नाम रखें अपनी फील्ड के हवाले से, उसके बाद चैनल की अच्छी सी डीपी लगाएँ, अच्छा सा चैनल आर्ट लगाएँ, उसके बाद आप लोगों ने अपना एक टारगेट बना लेना है। और आप लोग समझें कि आप लोगों के पास सिर्फ 6 माह का वक्त है, 6 माह के अंदर अंदर आप लोगों ने ये चैनल चलाना है। अगर आप लोग 6 माह के अंदर चैनल नहीं चला पाओगे तो आप लोगों का चैनल डिसेबल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये आप टारगेट रखकर काम करना शुरू करें। अब इस 6 माह के अंदर आप लोगों ने करना क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, एग्जाम्पल भी दूँगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को चैनल का नाम भी बताऊँगा कि जो कितनी जल्दी ग्रो हुआ है और अब डेली वेजेस पर वो कितना ज़्यादा ग्रो हो रहा है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, 6 माह में सबसे पहले तो आप लोगों का जो पहला टारगेट है वो ये होना चाहिए कि आप लोगों ने अपनी चैनल के टॉपिक के हवाले से रोज़ाना की एक वीडियो को अपलोड करना है। अगर आप लोग रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करोगे तो 6 माह में तकरीबन 180 दिन बनते हैं, कुछ मंथ अंदर ज़्यादा दिनों के भी होते हैं, तो एवरेज आप लोगों के चैनल पर 6 माह के अंदर 180 वीडियोज़ आ जाएंगी। वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोगों ने उस वीडियो को प्रॉपर SEO करना है। SEO क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक लंबा टॉपिक है, इस पर मैं बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ YouTube की SEO के हवाले से आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने वीडियो अपलोड की, वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोगों ने उस पर एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल लगाना है। थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि जो भी आप लोगों की थंबनेल को देखे वो एक दफ़ा आपकी वीडियो पर क्लिक ज़रूर करे, अंदर चाहे वीडियो जैसी भी हो लेकिन जब क्लिक हो जाएगा तो कुछ सेकंड लाजमन जो भी बंदा क्लिक करेगा वो वीडियो देखेगा, इस तरह आप लोगों को व्यू काउंट हो जाएगा। थंबनेल लगाने के बाद आप लोगों की वीडियो का टाइटल ज़बरदस्त होना चाहिए और टाइटल आपका सर्चेबल होना चाहिए। सर्चेबल टाइटल आप लोगों ने कैसे लेना है, आप लोग क्या करें, गूगल पर चले जाएँ अपनी वीडियो के टॉपिक के हवाले से, वहाँ पर लिखें कुछ, आप लोगों को टॉप पर जो टॉपिक मिलेंगे आप उनमें से कुछ देख लें, उधर से एडजस्ट कर लें। इसी तरह आप लोगों ने YouTube पे भी अपनी वीडियो को पहले सर्च कर लेना है, अपने इस टॉपिक की वीडियो को, वहाँ पे जो आप लोगों को टॉप पे टॉपिक मिले या जो वीडियो आपको टॉप पे नज़र आ रही हो तो आप लोगों ने वहाँ से कोई अच्छा सा टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है, उसमें अपने हिसाब से अंदर अमेंडमेंट कर लेनी है। अब आप लोगों की वीडियो पर टाइटल लग गया है, उसके बाद आप लोगों ने वीडियो की देनी है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होती है? डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी चीज़ की तफसीलात बयान करना अपने टॉपिक के हवाले से, जिस टॉपिक पे भी आप लोगों ने वीडियो बनाई है उस टॉपिक के हवाले से आप अपनी डिस्क्रिप्शन में बेशक आप रोमन में लिख दें, इंग्लिश में आप लोगों को नहीं आता, रोमन उर्दू में लिख दें कि फ्रेंड्स आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा, फलां बताऊँगा, जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं या चैट के मैसेज होते हैं, इस तरह बेशक आप लोग डिस्क्रिप्शन लिखें और अपने एक दो पिछली वीडियोज़ का उसमें लिंक डालें, अगर आपकी वीडियो में किसी पिछली वीडियो से रिलेटेड कोई बात हो रही है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लगा दी, अब बारी आ गई है टैग्स की। टैग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं आपके चैनल को प्रमोट करने में। अगर आप लोग वीडियोस को टैग्स लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो चैनल है वो दिनों में ग्रो करेगा, वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे। अब टैग्स कैसे लगाने हैं, मेरे चैनल पर बाकायदा एक वीडियो पड़ी हुई है बड़ी तफसील के साथ, उसका मैं लिंक इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं कि टैग कैसे लगेंगे। इसके बाद आप लोगों ने अपने चैनल की लाजमी लगाने हैं,
चैनल की क्या होता है इस पर भी बाकायदा वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पे, मैं उसका भी लिंक आप लोगों को दूंगा। आप लोगों ने वो वीडियो भी लाजमी देखनी है, एंड तक देखनी है सारी वीडियोज़। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उन वीडियोज़ से भी। और जब आप लोगों का चैनल की भी लग गए, टैग भी वीडियो पर लग गए, टाइटल डिस्क्रिप्शन और अच्छा थंबनेल लग गया, तो कोई वजह नहीं है कि आप लोगों का चैनल ग्रो ना करे। अब 6 माह का टारगेट क्यों है और डेली की एक वीडियो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि यूट्यूब आप लोगों की रेगुलरिटी चेक करती है। अगर आप लोग डेली की एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हो तो यूट्यूब देखेगी कि यार बंदा रेगुलर है, बंदा मेहनती है, काम करने वाला है, हम खुद इसे प्रमोट करें। एक मैं आप लोगों को बात बताता चाहूँ, नए यूट्यूबर को यूट्यूब खुद भी प्रमोट करती है, लेकिन किस बेस पे, कि अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो। अब मैं आप लोगों की छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरी मिसेज का चैनल है, पहले चैनल का नाम तो उन्होंने रखा था समिया वसीम लाइफस्टाइल, मतलब वो मुख्तलिफ तरीके से काम करती रहीं, उस पर अंदर से कुछ ब्रेक आ गया। 6-7 माह तकरीबन उस चैनल को साल हो गया बना हुआ, किसी वजह से ब्रेक आ गई, लेकिन चैनल पर काम नहीं हो सका उस ब्रेक की वजह से। फिर क्या हुआ, उन्होंने रेगुलर काम करना शुरू किया, रोज़ाना की एक वीडियो अपने, मतलब आप लाइफस्टाइल उनके चैनल का नाम था, तो उन्होंने इस हिसाब से उसके अंदर चैनल पे मेहंदी की वीडियोस, ब्लॉग्स और रेसिपीज़ वगैरह डालना शुरू कर दी, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे रोज़ाना वो कोशिश करके एक वीडियोस अपलोड करती रही। आप लोग यकीन माने कि 2020 के सितंबर या अक्टूबर में बाकायदा, मतलब उन्होंने काम करना शुरू किया 2019 के सितंबर या अक्टूबर में उन्होंने बाकायदा चैनल पर रोज़ाना की एक वीडियो अपलोड करना शुरू हुई, और अप्रैल 2020 में वो वाला चैनल मोनेटाइज भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, उससे अब अर्निंग भी हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीकाकार है। अब जैसे हमारा वो चैनल प्रमोट हुआ, ग्रो हुआ और मोनेटाइज हुआ, इसी तरह अगर आप लोग इस तरीके के मुताबिक काम करोगे, इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, इंशाल्लाह आप लोगों का चैनल भी 6 माह के अंदर अंदर प्रमोट हो जाएगा और मोनेटाइज हो जाएगा। बस आप लोगों ने क्या करना है, एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करना है, जो आप लोगों के अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को यूज़ करते हुए आप लोगों ने वीडियोस बनानी है। जिस भी किस्म की वीडियोस हों, बस ख्याल रखना है कि यूट्यूब की जो गाइडलाइंस हैं उनको आप लोगों ने डिसोबे नहीं करना, उनको फॉलो करते हुए आप लोगों ने वीडियोस बनानी है। इंशाल्लाह आप लोगों का चैनल जो है वो दिनों में ग्रो हो जाएगा। बस टारगेट रख लें इस टारगेट पर और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी वीडियोज़ अपलोड करें, बहुत जल्द आप लोगों का चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह की किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।